बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है खीर, जिसके लिए मैंने एक कप चावल लिए हैं, एक कप चीनी, थोड़ी सी इलायची और 2 किलो दूध लूँगी। चावलों को मैं धो के भिगो दूँगी और फिर बाकी आपको दिखाते हैं। देखें, चावलों को हमने भिगोया हुआ था, उसका पानी मैंने गिरा दिया। अब ये चावल जग में डालेंगे, एक कप दूध डालेंगे और इनको पीस लेंगे। ये देखें, 2 किलो दूध लिया है और मैं खुले दूध में नहीं बनाती, पाउडर वाले दूध इस्तेमाल करती हूँ, उससे चीज़ अच्छी बनती है, जायका भी अच्छा आता है। ठीक है, ये दूध गर्म हो रहा है, अब इसमें हम जो चावल पीसे थे उनको हम ऐड कर देंगे। ये देखें, जो चावल पीसे थे दूध के साथ, वो गर्म दूध में मिक्स कर रहे हैं। चावल पीसे हुए डाल दिए हैं, इसको थोड़ी देर पकाना है और सब्ज़ इलायची जो है वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। सब्ज़ इलायची इसमें डालती, इसको तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह गाढ़ा ना हो जाए। ठीक है, चावल इसमें पक रहे हैं, इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे और चम्मच मुसलसल चलाते रहना है ताकि हमारी खीर लगे ना। ये देखें, आपको खीर की थिकनेस नज़र आ रही होगी। इस स्टेज पे हम आके इसका चीनी चखेंगे कि ठीक है कि नहीं। मेरे हिसाब से चीनी इसमें कम है तो 1/4 कप चीनी इसमें डाल देंगे। आधा कप चीनी मैं और ऐड कर रही हूँ। ये हमारी तैयार होने वाली है और इसमें ड्राई फ्रूट आपकी मर्ज़ी है, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें गार्निश के तौर पर डाल सकते हैं। मेरे पास ये ड्राई फ्रूट अवेलेबल है, मैं इसमें बादाम और पिस्ते को पीस लूँगी। खीर देखें, इस स्टेज पे बिल्कुल तैयार है और चीनी का ये है कि अगर आप कुछ शुगर वगैरह है या कम खाते हैं तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालें। ठीक है, इसको मैं गार्निश कर रही हूँ। आज की रेसिपी हमारी तैयार है, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।